अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज वन। मैं हूँ समीना राणा और मैं हूँ सना करीम। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में अपने नाजरिन को आगाह करते चलें कि इमरान खान ने गवादर बंदरगाह का बेड़ा गर्क कर दिया। अगर इमरान से हुकूमत ना ली जाती तो आज मुल्क टुकड़े टुकड़े हो जाता। मौलाना फजल रहमान की पिशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीटीआई को वोट देना मुल्क को तबाह करने में हिस्सा डालना है, हुकूमत अपना वक्त पूरा करेगी, इलेक्शन वक्त पर होंगे। पीडीएम सरबरा का कहना था कि राय थी असेंबलियों के अंदर से तब्दीली ना लाई जाए, तहरीकों के जरिए नए इंतखाबात की तरफ जाया जाए। वो ग्वादर बंदरगाह कि जो एशिया में दूसरे नंबर का सबसे गहरा तरीन बंदरगाह था, उसका बेड़ा गर्क किया। अगर इस वक्त उनसे हुकूमत न ली जाती तो आज आपका मुल्क टुकड़े टुकड़े हो जाता। मनसूबा इस पर चल रहा था, जिस दलदल में उसने हमें फंसाया है उससे निकलना आसान काम नहीं है। हुकूमत टाइम पूरा करेगी, इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। जो एक चीज़ एक दफ़ा तय हो जाती है, अब किसी की एक राय अगर एक वक्त है तो उसने दोस्तों के लिए छोड़ दी ना।